भैया बहनी राम राम, विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और देखिए बहुत ही बड़ा खेत है, सरसों का फूल बहुत ही अच्छे से खिला हुआ है, बहुत जबरदस्त फूल इसमें लगा हुआ है। तो पीला पीला देखिए इसमें खिला हुआ है, तो इसमें अभी लगेगा सरसों का फल। तो छोटा छोटा देखिए छिमी लगा हुआ है, तो देखिए इस तरफ से दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए ऊंचाई, थोड़ा ऊंचाई पर से आप लोगों को दिखाएंगे, ढेर सारा सरसों का फूल खिला हुआ है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। अब मैं चल रही हूँ दूसरे वाले खेत में। दोस्तों देखिए मैं आई हूँ एक पत्ता गोभी के खेत में। देखिए इस तरह ढेर सारा पत्ता गोभी लगाया गया है, तो जो देखिए तैयार है मैं वही को ढूंढ को तोड़ूंगी। आप लोग आइए मेरे पास से दिखाऊंगी, ढेर सारा गच्छा गच्छा पत्ता गोभी लगा हुआ है। देखिए ये वाला देखिए गच्छा फूल है, और इस तरफ देखिए है, तो ऐसे उसे देखिए ये वाला छोटा छोटा है, छोटा वाला मैं नहीं लूंगी। और ये देखिए इस साइड वाला मैं काटूंगी। थोड़ा सा देखिए मैंने खुरपी लिया हुआ है, बचा कर इसको काटेंगे। तो दोस्तों बोलते हैं पत्ता गोभी का फूल, तो देखिए फूल जैसा एकदम दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने खेत से देखिए ताजा ताजा तोड़ लिया हुआ है, अब लेके चलेंगे घर पे। तो खेत से निकलेंगे बाहर। तो देखिए दोस्तों ढेर सारा पत्ता गोभी का फूल लगा हुआ है पौधा, और वो भी देखिए 2-3 महीने में से तैयार होगा। जो तैयार हो गया है उसको देखिए सब लोग तोड़ तोड़ उसकी रस्सी बनती है। अभी इस समय देखिए 2 महीना लग जाएगा। और जहाँ पे देखिए साड़ी बना हुआ है वहाँ साइड लगाया गया है ढेर सारा। तो मैं खेत से निकलूँगी बाहर। जो एकदम हरा पत्ती है देखिए उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, जो एकदम पत्ता अच्छा है उसको मैं रखूँगी। अच्छे से पहले हम धुल लेती हूँ, और पत्ता का देखिए अपने मंगों को खिलाएंगे। मंगल ला खल मंगल। सबसे पहले मैं पत्ता गोभी काट लेती हूँ। बारीक के काटूंगी, थाली में रखे, और देखिए बचा कर बहुत अच्छे से काट रही हूँ। पत्ता गोभी काट लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो थोड़ा सा नमक लगाकर इसको अच्छे से रखेंगे, जिसमें जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है देखिए बाहर निकल जाएगा। 5 मिनट ढक के रखेंगे। अब मैं प्याज का छिलका हटा लेती हूँ। तो 5 मिनट हो गया है, देखिए पत्ता गोभी हमारी काफी देखिए मुलायम हो चुकी है। तो हल्का इसको पानी देखिए निचोड़ेंगे दोनों हाथ से देखिए दबाते हुए। तो निचोड़ निचोड़ के दूसरे बर्तन में रखेंगे। तो पानी देखिए मैं गार रही हूँ, वो बहुत ही अच्छे से देखिए निकल रहा है, और काफी नमक ना इस देखिए मुलायम हो चुका है। ऐसे ही सारे पत्ता गोभी के जो पानी है उसको निचोड़ के रखेंगे। पानी देखिए पत्ता का मैंने हटा दिया हुआ है, और थाली में देखिए रखेंगे पत्ता गोभी कटा हुआ। आज मैंने बनाऊंगी पत्ता गोभी का टिक्की। तो जो जो सामग्री मैंने लिया हुआ है तो आप लोग आइए मेरे पास से दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया हुआ है, और चना का बेसन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और मरचा का पेस्ट है, और चावल है, हल्दी पाउडर है, प्याज है। तो सारे सामग्री एक में अच्छे से मिलाएंगे। चावल का आटा मैंने डाल दिया हुआ है, चावल का आटा डालेंगे तो बहुत ही कुरकुरी हमारी टिक्की बनकर तैयार होगी। तब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसमें डालेंगे मसाला, इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे मरचा का पेस्ट, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें पानी नहीं डालूंगी, जो इसमें देखिए पानी जो मुलायम है उसी पानी में अच्छे से मिलाऊंगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो पानी मुझे बहुत ही थोड़ा डालना है।
और डाल के इसको दोबारा गूंथूंगी। नमक पत्ता गोभी डाला हुआ है तो मैं थोड़ा सा डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना का बेसन, हल्का देखिए पानी के इसमें छीटा लगाकर गूंथेंगे। फूटा हुआ देखिए धनिया पाउडर भूल गई थी, दोबारा इसमें डाल देती हूँ। धनिया देखिए डाल दिया हुआ है, अब अच्छे से इसको मिलाएंगे। सारा सामग्री मैंने देखिए अच्छे से मिलाकर रख दिया हुआ है, आग जला लिया हुआ है। अब रखेंगे चूल्हे पे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे रिफाइन। आग मैंने देखिए जला दिया है, थोड़ा सा आंच कम करेंगे। अब फटाफट टिक्की देखिए बनाकर रेडी करें। सबसे पहले देखिए हाथ में लगाएंगे रिफाइन ऑयल ताकि हाथ में चपके ना। अब ऐसे हम लोई काटेंगे, तो ऐसे बना बना के थाली में रख लेती हूँ, उसके बाद हम छानेंगे। हल्का से हाथ में देखिए रिफाइन लगा लिया हथेली में। अब छोटी से देखिए लोई काटेंगे, तो बड़ा छोटा आप लोई टिक्की बना सकते हैं, तो मैं यही साइज के देखिए लिया हुआ है। थोड़ा सा देखिए दोनों हाथ से घुमाते हुए अच्छे से देखिए हाथ पे रखकर हथेली पर साइज करेंगे। ज़्यादा मोटा बनाएंगे ज़्यादा पतला बनाएंगे, मीडियम साइज के मैंने देखिए बना बना के रख लेती हूँ। तो ऐसा ही देखिए बना बना के रखती जाऊंगी। पत्ता गोभी की मैंने टिक्की देखिए बना के तैयार कर लिया हुआ है, तो मैंने बहुत ही धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। बहुत ही धीमी धीमी आंच में मैंने देखिए पका रही हूँ। पक के देखिए सुनहरा कलर हो गया है। अब इसको निकालेंगे तेल से देखिए बाहर। अब रखेंगे देखिए थाली में। लास्ट घान है, मैंने देखिए सारे टिक्की के छान कर रख लिया हुआ है। कढ़ाई उतारेंगे नीचे, एक तोड़ के देखिए दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और काफी देखिए कुरकुरी है। तो मैंने टमाटर देखिए चटनी लिया हुआ है और देखिए लगा कर खाएंगे, काफी टेस्टी लगेगा। आज मैंने बनाया दोस्तों पत्ता गोभी का और टिक्की, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारे फैमिली सब लोग खाएंगे और उसके साथ में टमाटर की चटनी। तो अच्छा लगेगा दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।